बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां औद्योगिक नगरी कैमूर में अखिल भारतीय सीमेंट मजदूर महासंघ की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बता दें इसमें देश के अलग अलग शहरों से सीमेंट मजदूर संघ के सदस्यगण शामिल हुए। बता दें बैठक में बाहर से आए राष्ट्रीय स्तर के मजदूर संघ के नेताओं की अगवानी कटनी सीमेंट मजदूर संघ के अध्यक्ष गणेश राव ने की और अतिथियों का स्वागत कर बैठक में मजदूरों के अधिकारियों पर विस्तृत चर्चा हुई। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से मजदूरों के हित में लागू योजनाओं का लाभ दिलवाने और अपने हक के अधिकारों की लड़ाई लड़ने और समान वेतन समान पद पर बात हुई। कॉन्ट्रैक्ट पर मजदूरों के साथ हो रहे अन्याय और शोषण किए जाने पर रोक लगाने के मुद्दे पर भी चर्चा की गई है। बता दें इसके साथ ही अखिल भारतीय सीमेंट मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने सीमेंट कंपनियों में देश भर में काम कर रहे मजदूरों और केंद्र और राज्य सरकारें से वेतमान व कॉन्ट्रैक्ट लेबरों के उत्थान कल्याण के लिए योजनाओं को पूर्ण रूप से लागू करने की मांग की है। मजदूर महासंघ का कहना है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना देंगे। भारतीय मजदूर संघ के से संबद्ध सीमेंट महासंघ जो हमारा अखिल भारतीय फेडरेशन है भारतीय मजदूर संघ का, उसकी दो दिवसीय बैठक कैमूर कटनी जिले में संपन्न हो रही है। आज इसका प्रथम दिन था, कल तक ये बैठक हमारी चलेगी। इसमें विशेष रूप से सीमेंट उद्योग में जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर संविदा मजदूर कर्मचारी काम करता है उसके संदर्भ में व्यापक रूप से दिन भर चर्चाएं हुई हैं, क्योंकि आज वर्तमान में कई सीमेंट उद्योग जो हैं वो पूरी तरीके से संविदा ठेकेदारी कर्मचारी कैमूर सीमेंट खदान कर्मचारी संघ के तत्वाधान में हमारी अखिल भारतीय सीमेंट मजदूर महासंघ की दो दिवसीय बैठक यहां राष्ट्रीय कार्य समिति की हो रही है, जिसमें आज दिन भर सीमेंट मजदूर का जो फैसला हुआ उसके संदर्भ में एवं कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो लगातार पूरे सीमेंट उद्योगों में बढ़ गई है और वेज बोर्ड बहुत कम से कम मजदूर बहुत कम है, तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की समस्याओं के संदर्भ में समान काम समान वेतन के संदर्भ में